2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर, इसका मतलब मेरे को क्या गिवन है, सी आर एल सीरीज, एल सी आर सीरीज, फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी ताकि करंट मैक्सिमम हो। देखो करंट मैक्सिमम कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस में क्या होता है, करंट मैक्स, इंपेडेंस क्या होती है, मिनिमम। करवाया था मैंने, रेजोनेंस में पीक वैल्यू आ जाती है करंट की, तो करंट मैक्स है। तो अगर पीक वैल्यू ऑफ सोर्स ई नॉट पता है, फाइंड फॉर मैक्सिमम करंट, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। वो कह रहे हैं फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट का मतलब आपने फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, रेजोनेंस। तो फर्स्ट पार्ट है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो पहले आप फ्रीक्वेंसी निकाल लें। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। फ्रीक्वेंसी आ गई, अब आप एक काम करें, एक्स एल निकाल लें, एल इंटू ओमेगा, एक्स सी निकाल लें, 1/c ओमेगा। ओमेगा में जो फ्रीक्वेंसी चाहिए रेजोनेंस की तो आई गई, तो आपके पास एक्स एल और एक्स सी बराबर आएंगे। एक टर्म से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि रेजोनेंस वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, तो एक्स एल तो एक्स सी के इक्वल आएगा। दो कैलकुलेशंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन क्यों है, क्योंकि करंट सर्किट के अंदर एल सी आर में क्या है, मैक्सिमम। तो अंडरस्टूड है कि रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। तो एक टर्म आ गई तो दूसरी भी आ गई। टोटल इंपीडेंस निकालो, या टोटल इंपीडेंस निकालने का दो तरीके हैं, एक तो बड़ा सा फॉर्मूला लगा देना एल सी आर में, पर बड़ा फॉर्मूला लगा के करोगे क्या, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला जब लगाओगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, क्योंकि रेजोनेंस है एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, तो वो टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी और जेड की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, सिर्फ आर, क्योंकि रेजोनेंस में जेड मिनिमम होता है और किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो जेड भी आ गया। फिर क्या निकाल लो, कह रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सी, जेड इंपेडेंस। यानी कि टोटल अगर मैं ई नॉट यूज करूंगा तो आई नॉट आएगा, अगर मैं ई आर एम एस करूंगा आई आर एम एस आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में एल सी आर के लिए जेड ही आएगा। पर क्योंकि क्वेश्चन रेजोनेंस का है, रेजोनेंस में जेड और आर बराबर है, तो ई नॉट आपको पता है, आर आपको पता है, करंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टर। तो अगर आपको याद हो, इंडक्टर और रेजिस्टर वोल्टेज, एल सी आर में ये रेजिस्टर की वोल्टेज है और ये इंडक्टर की वोल्टेज है, दोनों में फेज डिफरेंस क्या होता है, 90, है ना। इंडक्टर की वोल्टेज और रेजिस्टर की वोल्टेज में एंगल क्या होता है, 90। फिर वो क्या कह रहे हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन इंडक्टर की वोल्टेज एंड कैपेसिटर की वोल्टेज। एल सी आर में क्या होता था, इंडक्टर की वोल्टेज ये होती है, कैपेसिटर की ये होती है, कैपेसिटर और इंडक्टर में टोटल एंगल कितना है, 180। तो आंसर क्या आएगा, 180। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको, ये बेसिक डायग्राम तो पता ही होना चाहिए एल सी आर का। तो ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हमने किए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूरे एल सी आर के कॉन्सेप्ट को टच करते हुए जाते हैं। नेक्स्ट 49, इन सीरीज एल सी आर सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये एफ आर है। आपने क्योंकि जब मैंने ग्राफ करवाया था लास्ट टाइम वो पीक करंट वाला, उसमें ओमेगा आर यूज किया था। देखो ओमेगा आर तब यूज करना है जब रेडियस पर सेकेंड है, जब हर्ट्स गिवन है तो फ्रीक्वेंसी एफ है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर गिवन है, हाफ पावर पॉइंट्स, अंडरलाइन कर सकते हो ये हाफ पावर पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो हाफ पावर पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद हो फ्रीक्वेंसी का या ओमेगा का और करंट का एल सी आर में ये डायग्राम हमने बनाया था, रेडियो स्टेशन वाला जो प्रॉब्लम डिस्कस किया था, और मैंने आपको कहा था कि करंट मैक्सिमम कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेजोनेंस, ऐसे डिस्कस हुआ था। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू क्या थी, मैक्स थी। अब इसके आसपास दो और फ्रीक्वेंसीज थी, एक फ्रीक्वेंसी F1 और एक F2, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2। ऐसे जब करंट की वैल्यू क्या हो गई थी, इसमें आए RMS, याद है, ये वो फ्रीक्वेंसीज थी जब करंट की वैल्यू क्या ली जाती थी, आए RMS, ऐसी था।
तो पीक वैल्यू पे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और आरएमएस करंट पे दो फ्रीक्वेंसीज है एफ1 एंड एफ2, तो आई आरएमएस की वैल्यू क्या है, आई नॉट बाय रूट टू। आई आरएमएस की वैल्यू क्या है, आई नॉट बाय रूट टू। और अगर मैं इससे पावर निकालूं, पावर इज आई नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर इंटू इम्पिडेंस जेड, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा, टू। पावर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पावर से हाफ। आई नॉट स्क्वायर जेड का मतलब मैक्सिमम पावर है, या आर ले लो अगर जेड नहीं बात समझ में आ रही, पावर लेनी है तो कोई बात नहीं, आर ले लो, आई स्क्वायर ये देखो, तो मैक्सिमम पावर हाफ। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो F1 F2 फ्रीक्वेंसीज हैं, जो F1 F2 फ्रीक्वेंसीज हैं FR के लेफ्ट और राइट, उन फ्रीक्वेंसीज का नाम क्या है, हाफ पावर पॉइंट, क्योंकि वहाँ पर पावर की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से क्या आती है, हाफ आती है। और हाफ क्यों आती है, क्योंकि करंट वहाँ पर आई नॉट बाई रूट टू होता है, और आई नॉट बाई रूट टू का मतलब इसका स्क्वायर क्या देगा आपको, आई स्क्वायर बाई टू, तो पावर अपने आप हाफ हो जाती है। चलो इन एनी केस आप याद कर लो, हाफ पावर पॉइंट्स का मतलब फ्रीक्वेंसीज एफ1 एंड एफ2 है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR है, हाफ पावर पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी F1 F2 है। क्या निकालना है, और F1 F2 क्वेश्चन में गिवन भी है, क्या निकालना है, क्यू फैक्टर निकालना है और बैंडविड्थ निकालनी है। आपको FR पता है, आपको F1 F2 पता है, और याद करो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ओमेगा आर अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन। अब यहाँ पर ओमेगा नहीं गिवन, यहाँ पर F गिवन है, तो FR अपॉन F2 माइनस F1, तीनों वैल्यूज गिवन है आंसर। क्यू फैक्टर आ गया, फॉर्मूला लगा लिया, और साथ में क्या निकालनी है, बैंडविड्थ। मैंने बैंडविड्थ का फॉर्मूला करवाया था 2 डेल्टा ओमेगा, या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी था उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, F2 माइनस F1, आंसर ही बैंडविड्थ है। आता है ये क्वेश्चन है, बैंडविड्थ पूछी जाती है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ बोलते हैं, दो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक,